साथियों, हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल को समझना हो तो आप पीएसयू सेक्टर में आए बदलाव को तरफ नजर करेंगे, देख पाएंगे। आमतौर पर सरकार के पीएसयू मतलब सरकारी खजाने से जाता है, जन्म लेता है, और वो जन्म लेता है उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट तय हो जाती है जी। यही उसका इतिहास रहा है जी। बहुत कम पीएसयू होते हैं सरकार के जो कुछ देश के लिए काम आते हैं, बर्बादी लाते हैं, जो रचना बनाई है जिन्होंने बनाई। लेकिन आप याद कीजिए, वो दिन याद करेंगे तो पता है, जैसे पहले की सरकारों के चलते बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों बर्बाद हो गए थे। पहले की सरकारों ने एचएएल को भी बर्बाद कर दिया था, एलआईसी को लेकर भी कुछ लोगों ने एक से बढ़कर एक झूठ बोला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज बीएसएनएल मेड इन इंडिया 5G की ताकत से आगे बढ़ रहा है। आज एयर इंडिया नई भूमिका में अपना विस्तार कर रही है। आज एचएएल में रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हो रही है। एचएएल के पास अब एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री है। आज एलआईसी भी दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। साथियों, हमारी सरकार के इफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। इन पर निवेशकों का भरोसा बहुत अधिक बढ़ रहा है। 10 साल पहले पीएसयू का नेट प्रॉफिट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए था, अब पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 2 गुना यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के पार कर चुका है। 10 वर्षों में पीएसयू की नेटवर्थ 9.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है जी। जब नेशन फर्स्ट की भावना हो तो ऐसे काम भी होते हैं और ऐसे परिणाम भी मिलते हैं। फैमिली फर्स्ट की भावना हो तो नतीजे आप भुगत रहे हो।